Profits and losses is the ratio of 3 by 5 and 2 by 5. 3 by 5 and 2 by 5. Pay attention. On 31st December 17th, apna rate kya hoga? 1 by 18. Mila? Hello? Hello? Abhi dekho. Dhyan se dekho. Pehla, they are sharing profits and losses in the ratio of 3 by 5 and 2 by 5. So what's your PSR? 3 is to 2. Barabar hai? 3 is to 5 nahi, 3 is to 2 ganda. Friends, what is your first step? First step is? Balance. Bank ki cash? Change kar do agar bank ki ko. 2 balance ki bye bye. Sir, mein to bank slash cash hi to lega. Nahi chalega. Sir, but he working option. Haan, but entries mein bhi to wohi likhega phir. नहीं में बैंक तो बैंक में कितना है 250 रुपया बस 250 ओके बहुत ही खराब वाले बिजनेस में ओनली 250 रुपीज इन पॉकेट बट उम्मीद कायम है नया पार्टनर आएगा पैसा लेके चलो सी बैंक बैलेंस कम होने से बिजनेस वीक नहीं हो जाता समझा गाइस बाकी एसेट्स है ना पैसा चाहिए तो एसेट बेच के पैसा ले सकते हो धंधा करते हो परचेज सेल होगा उस पर पैसा आएगा वो बैंक बैलेंस क्या है एट प्रेजेंट आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस हाँ थोड़ा रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास लिक्विडिटी है समझा अभी आपके मॉर्गेज अर्न करते हैं तो समझा आपके मॉम डैड आर अर्निंग 10 लाख रुपीज फुल ईयर का सो 10 लाख रुपीज में घर पे थोड़ी 10 लाख रुपीज रखता रहेगा बैंक में या फिर ज्वेलरी में या फिर कोई और एसेट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखेंगे लाख एक रुपया 2 लाख रुपया घर पे रखेंगे बोलने का मतलब ये तो इमरजेंसी के लिए समझ में आया ऐसा चीज अभी देखो ये बैंक बैलेंस देखो पहले 2 बैलेंस की बाय बैलेंस 2 बैलेंस और क्या है कैपिटल रनाडे कनाडे 36 and 24,000 मेरा बाय की 2 व्हाट इज योर सेकेंड स्टेप चेक करो रिजर्व फंड है क्या है देखो है क्या है देखो आर डॉट फंड करके दिया है अबे भानुशाली आर डॉट फंड इज व्हाट रिजर्व फंड इसको जाएगा प्लीज फोकस नाउ डोंट टॉक वेरी इंपॉर्टेंट सम दिस इसको जाएगा ओल्ड पार्टनर क्या बाय की 2 बाय रिजर्व फंड विच रेशियो कितना रिजर्व फंड 5 3000 एंड 2000 हो गया टिक थर्ड स्टेप न्यू पार्टनर्स कैपिटल यस हेलो चेक न्यू पार्टनर क्या ही शुड ब्रिंग 18650 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इज फॉर पी एस आर 18650 इज कैपिटल सो व्हाट इज द एंड बैंक टू रेगुलर कैपिटल 18650 बैंक में टू हेगड़े कैपिटल में बाय बैंक बैंक में टू हेगड़े कैपिटल में बाय बैंक इज दिस क्लियर बोला सॉरी 22,000 क्या कहां से आ गए हो रुको रुको अभी देखो क्या दिया है 1/5 शेयर एंड ऑल्सो ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और हो गाइस ऑन 1st January 2018 पहले 3 स्टेप दिया है सबको बैलेंस रिजर्व कैपिटल फोर्थ क्या है पढ़ो On 1st Jan 2018, Hegde was admitted into the partnership. He should bring 18650 as capital for 1/5 share and also brings his share of goodwill in cash. Valuation of the goodwill of the firm
wants to be made at twice the average profits of last 3 years. The profits were as follows. तो एक method दिया हुआ है कि goodwill कैसे value करना है. What is goodwill? Profits. Profits कैसे value करना है? Twice the average profits of last 3 years. मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि last 3 साल में जितना कमाया था average, उसका double. मतलब आने वाले 2 साल तक वो उतना प्रॉफिट कमाएंगे. कितना कमाएंगे? एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर. जैसे हमारे एग्जांपल में 60, 60, 120 था, वैसे यहाँ पे क्या है, लास्ट 3 साल का एवरेज लो, वो ट्वाइस. ट्वाइस मतलब कितना साल? 2 साल तक सस्टेन कर पाए. तो उसका नोट बनाना है. नोट बनाओ, गेस वर्क मत करो. अरे गांडा, और नोट बनाओ. चलो बड़ा मेक द नोट. हाउ मेनी इयर्स एवरेज? 2015 2016 2017. ओके, व्हाट आर द प्रॉफिट्स? 24 27, हाँ इसके हैं 24 27 and 15. मिला सॉरी 66,000. एवरेज निकालो, एवरेज प्रॉफिट आता ना, एवरेज टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज व्हाट 66 अपॉन 3, 22,000. 22 तो एवरेज है, मतलब 1 साल का. वैसे ट्वाइस मतलब 2 साल, ट्राइस होता तो into 3, 4 times होता तो into, तो आपको 2 साल तक लग रहा है कि 22 आप कमाओ. समझ में आया? इसमें भी आगे कैच है, रुको. तो गुडविल इज इक्वल टू ट्वाइस, तो 2 into 22, दैट इज 44,000. समझ आया? अभी सोच के बताओ ये 44,000 क्या है. यस माई, इज इट शेयर ऑफ गुडविल की टोटल गुडविल? टोटल की शेयर, टोटल फॉर्म कमाने वाला है, दिया भी है. एवरेज प्रॉफिट किसके है? फॉर्म के है. तो गुडविल भी किसका मिलेगा? फॉर्म का, जो हमारे एग्जांपल में पता है 60, 60, 120 था टोटल. तो क्या वो 120 लेके आएगा? क्या ये 44 लेके आएगा? नहीं, वो तो उसका शेयर लाएगा. उसका शेयर कितना? उधर लिखो, क्योंकि केस कौन सा है? विच केस ऑफ गुडविल? कमॉन टेल मी विच केस ऑफ गुडविल. केस वन है ना, केस वन में कौन सा गुडविल चाहिए? टोटल की शेयर, एसएस, याद है एसएस, शेयर ऑफ गुडविल है कैपिटल फाइल. तो ये तो टोटल है, टोटल चाहिए कि शेयर? शेयर. तो ढूंढो एगड़े शेयर, एगड़े शेयर ऑफ गुडविल 44 का 1/5, 8800. ये आपको सब में डायरेक्टली दिया रहता था, यहाँ पे हमने ढूंढा. प्रैक्टिकली बिजनेस भी ऐसे ढूंढता है. कैसे ढूंढा समझा? पढ़ो स्टेटमेंट. गुडविल इज बेस्ड ऑन 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स. तो लास्ट 3 का एवरेज निकाला into 2. अगर 3 times होता तो 4 times होता तो, इसका मतलब क्या है? 2 times का अगले 2 साल तक सस्टेनेबल. फिर आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन 2 साल तक तो आप 22 कमाने वाले हो. उस 22 में उसको 4400 मिलेगा बैठे बैठे, जो उसके हक का प्रॉफिट नहीं है. तो 8800 वो आज के आज किसको दे देगा? ओल्ड पार्ट. जैसे हमारे एग्जांपल में 120 में से 20 दे दिया था उसने, याद है? हमेशा न्यू पार्टनर से कितना लेना है गुडविल? टोटल की शेयर. टोटल हो गए तो मर जाएगा बेचारा. टोटल देगा ही उसको कितना मिलने वाला है? 88 वो अभी आपको देगा. समझाइए, पूरा कॉपी करना वर्किंग हो. अभी एंट्री बोलो, केस वन में कितने एंट्रीज होते हैं? व्हाट आर द 2 एंट्रीज? बैंक टू गुडविल, देखो बैंक में 2 गुडविल और गुडविल में बाय बैंक कितना? 88 बैंक में 2 गुडविल, गुडविल में बाय बैंक 8800.
फिर केस वन है ना, तो शेयर ऑफ गुडविल तो पता है। अभी कौन सा रेशियो चाहिए? सैक्रिफाइस रेशियो। देखो क्या दिया है सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में कुछ, तो क्या अज्यूम कर, वार इज इक्वल टू एस आर 3:2, तो गुडविल टू वॉट, वो आर द ओल्ड पार्ट, रनाडे एंड कनाडे, गुडविल टू रनाडे कनाडे, सैक्रिफाइस रेशियो विच इज 3:2, यस 8800 को 3:2 में करो, 5:3 नहीं है, 3:2 डिवाइड बाय 1600 और 5:280 बराबर, फाइव टू एट जीरो एंड 3:520, हाँ 5:280 एंड 3:520, ये क्या आएगा गुडविल में 2 रनाडे कनाडे, रनाडे कनाडे में बाय गुडविल, समझ आया, 5:280 एंड 3:520, कौन से रेशियो में डिवाइड होगा गुडविल, सैक्रिफाइस रेशियो, ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशियो, अज्यूम ओआर इक्वल टू एसआर, कुछ और होता तो उसमें जाता। वन सेकेंड, गुडविल में क्या अलग हुआ, यहाँ पे दिखा क्या अलग हुआ, इंस्टेड ऑफ गिविंग द अमाउंट डायरेक्टली दे डिड नॉट गिव द अमाउंट डायरेक्टली, व्हाट डिड दे गिव यू, टोटल इट वाज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स इनटू 2 किया, तो टोटल गुडविल मिला, उसमें से हमने ढूंढा उसका शेयर, वो लाने वाला है शेयर, समझा। गुडविल के बाद जा जाओ रिवाइल में, देखो बिफोर एडमिटिंग हेगड़े 0.3 बेटा, बिफोर एडमिटिंग हेगड़े आरडीडी वॉज रेज अप टू 500, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग आरडी 250 का 500 करना है, बड़ा ना घटा, गेन और लॉस 2 के बाय कितना, सेकेंड इफेक्ट कितना डेटर्स, लेकिन अभी आरडीडी कितना हो जाएगा 250 का हो जाएगा 5, बात समझ आई, ले लो समझा। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 7500, व्हाट इज द बुक वैल्यू 8500 का 7500, गेन और लॉस 2 की बाय 2 स्टॉक कितना 1000, व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट स्टॉक 8500 का प्लस के माइनस, माइनस रिवैल्यूड बाय 1000, देवांश 7500 आया, मूविंग अहेड रिवैल्यूएट, डीवैल्यूएट बिल्डिंग एंड प्लांट बाय 500, व्हाट इज डीवैल्यू, डेप्रिशिएट, ये नो लॉस, सो 2 की बाय 2 बिल्डिंग एंड 2 प्लांट, बिल्डिंग का वैल्यू देखो कितना है 1100 का 5/11, और प्लान का कितना है, प्लान 15,000 का, तो 5% इज 7 पे, सेकेंड इफेक्ट इन द एसेट्स सॉरी बिल्डिंग 22,000 लेस रिवैल्यूड 1100, तो 20,900 आया, और प्लांट 15,000 माइनस रिवैल्यूड 750, 14,250
जम रहे हैं याद है। एक ही चीज हमने अलग की थी, दैट इज गुडविल। गुडविल कैसे ढूंढा समझा? हमेशा याद रखना केस वन केस टू में क्या चाहिए, शेयर। शेयर नहीं दिया तो शेयर ढूंढो। और थ्री फोर में टोटल चाहिए क्योंकि वो कैश लेगा, उधर रेज रिटर्न ऑफ में टोटल, उधर शेयर रहेगा तो टोटल ढूंढो, इधर टोटल रहेगा तो शेयर। समझा? एस एस, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म दिया है, केस वन केस टू एस एस, शेयर एंड सैक्रीफाइस रेशियो। अब आता है एक्स्ट्रा एंट्रीज, देखो ध्यान से। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय रनाडे फॉर 5000, जैसे लास्ट समय डेटर लेके गया था, ये समय इन्वेस्टमेंट लेके गया, सेम पंडा सेम पंडा। ऊपर चेक करो इन्वेस्टमेंट कितने का, कॉपी किया नोट, कॉपी किया सबने, क्या सबने इन्वेस्टमेंट देखो कितना दिया, 12000 मिला इन्वेस्टमेंट, 12000 है उसके, कितना इन्वेस्टमेंट ले गया पूरा क्या आधा, आधा लेके गया मिला तो कितना होता है आधा, 6000। अच्छा 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट में टेकन ओवर है 5000, टेकन ओवर एट 5000, 50% आधा इन्वेस्टमेंट मतलब 6 का इन्वेस्टमेंट 5 में गया। सोचो पहले गेन और लॉस, 6 का 5 बनाओ, सो 2 की बाय 2 इन्वेस्टमेंट कितना, 1000। ये पहले रिकॉर्ड किया, 6 का 5 बनाया। अब ये एसेट टेकन ओवर की लायबिलिटी टेकन, व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट टेकन, पार्टनर कैपिटल टू एसेट, इट इज लाइक ड्रॉइंग। मतलब इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आएगा ना वो किसको जाएगा, रनाडे, और बिजनेस रनाडे से ले, तो उसका कैपिटल काट रहा है तो फ्यूचर में उसको उतना कम देगा। समझा? एंट्री क्या आएगी, टू इन्वेस्टमेंट, रनाडे में टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में बाय रनाडे, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है तो क्या होगा, बैलेंस शीट। अच्छा अमाउंट क्या लिखो, फाइव की 6, फाइव में गया ना, रनाडे को भी 5 ही मिलेगा और बिजनेस भी उसको 5 कम देगा, कम दिया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है विल इट अपीयर इन द बैलेंस शीट, दिस इज गॉन, व्हाट अबाउट दिस, ये आएगा एज इट इज, तो इसको लिख दो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना बचा हुआ, 6000 बचा हुआ, 6000 एसेट। समझा? आगे बढ़ो, 1/3 ऑफ द क्रेडिटर्स आर टेकन ओवर बाय रनाडे 110%, 110% मतलब कुछ नहीं है, 10%। पहले तो क्रेडिटर चेक करो कितने का, 15000 है मिला क्या पूरा क्या, 1/3 की आधा, तो 1/3 और 2/3, 1/3 मतलब 5, 2/3 मतलब 10। अच्छा 1/3 ऑफ द क्रेडिटर आर टेकन ओवर एट 110%, मतलब टेकन ओवर एट 5500, अग्री, 5000 का 5500 कुछ तो अनरिकॉर्डेड रहेंगे, उसको भी लेके गया, ये नो लॉस। पहले 5000 को 5.5 बनाओ, 5000 को 5500 बनाओ, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ा, 2 की बाय 2 क्रेडिटर्स, अभी 5 का 500 में लेके गया, कौन लेके गया, रनाडे, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी टेकन ओवर का मतलब क्या, रनाडे विल पे टू क्रेडिटर एंड बिजनेस विल पे टू रनाडे, तो क्या बाय कितनी, क्रेडिटर घटा रनाडे बढ़, क्रेडिटर घटा और रनाडे बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, तो बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर टू रनाडे कितना, 5500, परफेक्ट, 5500। अच्छा ये 1/3 तो लेके गया, बाकी का 10 का क्या, बैलेंस शीट। समझा? सेम चीज लास्ट सम में भी दिया, वो लास्ट सम में क्या, वो बिल्स पेबल था लेकिन वो पूरा गया था, इसलिए मैंने नोट नहीं बना उसका, यहाँ पे क्यों नोट बना, 1/3 ही है तो 2/3 बाकी का चाहिए ना, 2/3 किधर जाएगा, बैलेंस शीट लास्ट में, समझा, लास्ट समय बिल्स पेपर पूरा लेके गया था 6000 का 6500, इधर उसने 1/3 बाकी का बैलेंस शीट, सॉर्टेड।
हेलो हो गया 110% मतलब 5000 का था 110% में ले गया, मतलब 10% ज्यादा। अगर 120% होगा तो 20% ज्यादा, 130 30% 90% 10% कम, 80% 20%, समझा? 110% समझा? क्या वैल्यू पे टेक ओवर किया वो दिया, करो टैली करो फटाफट। लॉस है बहुत भयंकर लॉस, सब डेबिट में क्या है 4700 क्या लिखोगे? बाय ना ना बाय पार्टनर्स कैपिटल, नॉमिनल में थोड़ी बैलेंस होता है सर, पर यूजुअली डिवैल्यूएशन में लॉस आता ही नहीं क्योंकि डेप्रिसिएशन वधाने लगेगा। लैंड प्रॉपर्टी रहेगा तो अप्रिसिएशन लॉस बढ़ेगा, एक बेवस्तु। बोलो बाय पार्टनर्स कैपिटल तीनों को देगी दो को, दो को भैया दो को, विच रेशियो 3:2 ओआर करो डिवाइड 11.5 क्या टोटल? अरे तीन तो इधर ही हो गया, एक दो तीन 4600 अच्छा 4600 हाँ 4600 मैंने नहीं किया था 4600 करो ईच टू टू में 2760 चेक कर लो भाई 2760 1840 आ रहा है चेक, ओके अच्छा रिवैल में बाय कैपिटल तो कैपिटल में टू रिवैल 2760 1840 शट डाउन कैपिटल 36 339 49 780 आ रहा है 29 520 आया 18650 आया देखो बैलेंस कितना है देखो forty-nine, forty-six, forty-four, seventy, forty-one, forty-one, nine, zero, two, zero, forty-four, twenty, forty-four, twenty, forty-four, twenty.